वक्त ये हमें मजबूर कर रहा है कि आप ड्रग्स ले लो, कि आप परेशान, क्योंकि हमारे जहन में परेशानी, लेक्चर दे के हमें कोई कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन इन स्टूडेंट को 15-15 साल हो गए हैं, न कोई जॉब सिक्योरिटी, हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमें कब इन किया जाएगा, कब बाहर नहीं, बाहर का रास्ता। कश्मीर में निजाम क्या है वो सब आपके सामने है, आया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की की बात की जाती है, उसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम उतना कमजोर भी हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि कई सारे प्रोटेस्ट हम देखते हैं, मगर उस्ताद जिस तरीके से काम करते हैं और जिस तरीके से लोगों को एक बुनियादी सहूलियत फराम करते हैं, आज वो उस्ताद भी जो है वो सड़कों पे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं हायर एजुकेशन एकेडमिक्स के जितने भी लोग हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वजूहात क्या है, क्या कुछ मामलात हैं, इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हजरत आपका नाम जानेंगे। मायसेल्फ डॉक्टर इरफान इस्लाम। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दे के हमारे पास आ गए। आपने बहुत शुक्रिया। हम कॉलेज कंट्रेक्चुअल, अब मैं क्या बताऊँ, क्या कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स बताऊँ, एडहॉक वाले बताऊँ, एकेडमिक अरेंजमेंट्स बताऊँ, मेरे पास कोई नाम नहीं है जी। क्योंकि इन्होंने जो हायर एजुकेशन है, इन्होंने हमारे नाम्स कंटिन्यूसली चेंज करते रहे। नाम्स ही नहीं, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको भी चेंज कर दिया है। जैसे अगर हम देखेंगे कि 2016 में इन्होंने सैलरी हमारी हाई की थी, इन्होंने बहुत ढोंग मचाया था कि हमने एकेडमिक अरेंजमेंट्स की सैलरी हाई कर दी है। लेकिन उसके बाद क्या किया, जब इन्होंने सैलरी हमारी हाई की, उससे पहले हमारी सैलरी जो थी वो दिसंबर, जब हमें डिसंगेज किया जाता था दिसंबर के बाद, तो हमें विंटर वैकेशन की सैलरी मिलती थी और साथ में जो समर ब्रेक 10 दिन की होती है, उस 10 दिन की सैलरी भी हमें मिलती थी। लेकिन जब इन्होंने एक साइड से बोला कि हम हाई सैलरी कर रहे हैं 28,000 से 28,000, लेकिन इन्होंने उसमें क्या किया कि ये दिसंबर में हमें डिसंगेज करते हैं, जनवरी और फरवरी और मार्च तक जो 3 महीने हैं उस सैलरी को हमें डिडक्ट किया जाता है, साथ में जो समर की 10 दिन है उस सैलरी को भी डिडक्ट किया जाता है। तो जब हम उस सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं तो वो सैलरी 18,000 मिनिमम 18,000 बनती है। अब इन्होंने, हमने हर चीज़ को सहा, जैसे इन्होंने बोला कि सैलरी हाई कर दो, आप 28,000 पे काम कर लीजिए, हमने बोला ठीक है हम 28,000 पे काम करेंगे। हम पीएचडी, सब पीएचडी स्कॉलर्स है, पोस्ट डॉक है, हमने 10-10 बुक्स लिखी है, हमने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, लेकिन हम जो है हम 5-5 क्लासेस देते हैं, 6-6 क्लास, कभी 6-6 क्लासेस देते हैं। हमारा विदाउट द एकेडमिक अरेंजमेंट्स देर इज नो एनी पॉसिबिलिटी कि कॉलेज रन करेगा, ये आपने पिछले साल देखा होगा। तो उसके हमारे, अब इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है कि हम इनको एज गेस्ट फैकल्टी हायर करेंगे। गेस्ट फैकल्टी का मतलब क्या है, गेस्ट फैकल्टी का मतलब है अगर हमारे इस वक्त 1500 स्टूडेंट्स, 1500 कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, अब इन्होंने बोला कि हम सिर्फ 100 को बुलाएंगे या 200 को बुलाएंगे जहां पे हमें नीड की जरूरत पड़ेगी इन लोगों की। लेकिन उसमें क्या है कि आपको सिर्फ 400 रुपए पर लेक्चर मिलेगा, पर लेक्चर 400 रुपीज मिलेगा। अब क्या है कि अगर कोई श्रीनगर का कैंडिडेट है, उसको यहाँ श्रीनगर से कुपवाड़ा जाना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम हमें अपने लोकल कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, या अनंतनाग से किसी को कुपवाड़ा जाना है, कुपवाड़ा से अनंतनाग जाना है। अब उसको क्या करना है कि कोपारा से उसको अनंतनाग जाना है, सुबह 10 बजे क्लास है, 10 बजे से लेकर 10:40 तक एक क्लास उसने दिया, 10:40 से लेकर 11:20 तक उसने दूसरा क्लास दिया, तो उसका कोई भी राइट नहीं बनता कि वो कॉलेज के अंदर बैठे। उसको बोला जाएगा कि आप कॉलेज से बाहर निकलो, क्योंकि आपने दो क्लास देके आपने निकल जाना, लेक्चर देके हमें कोई कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम प्रेजेंट की बात करेंगे, हम कॉलेज में A to Z जो भी काम होता है, लेक्चर से लेके, लेक्चर से लेके, लेक्चर देने से लेके क्लरिकल जो वर्क होता है, वो हम क्लरिकल वर्क भी करते हैं कॉलेज के अंदर। जो काम हमें दिया जाता है, हम कभी भी किसी भी काम को इनकार नहीं करते हैं, चाहे वो क्लरिकल वर्क होगा, चाहे वो एग्जामिनेशन ड्यूटी होगी, चाहे वो पेपर सेटिंग होगी, हर एक काम को हम अंजाम देते हैं कॉलेज के अंदर। आप मालूम प्रिंसिपल साहब, इरफान साहब आपसे जानेंगे, एजुकेशन निजाम कहा जा रहा है कि उसमें कई सारी तब्दीलियां आई हैं, मगर आप पीएचडी करके इस वक्त जो है इंसाफ मांग रहे हो और ये गुहार लगा रहे हो कि जनाब हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे साथ ज्यादती ना किया जाए। लगता है आपको, आपके लिए, आपके साथ और भी ऐसे नौजवान होंगे जो आपको देखेंगे, उन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए एक्चुअली इस वक्त अगर हम देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, अगर हम देखेंगे कॉलेज के अंदर बच्चे आते हैं, हम रोज ढोंग मचाते हैं कि यहाँ ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे सुसाइड्स हो रहे हैं, क्या रीजन है? हम जो टीचर्स थे, हम कोशिश कर रहे थे कि हम उसको कंट्रोल करेंगे, हम निजाम को बदलेंगे, हम बच्चों को सिखाएंगे कि ड्रग्स क्या है, हम बच्चों को सिखाएंगे कि सुसाइड्स आप क्यों कर रहे हो। लेकिन अमलिया इस वक्त ये हमें मजबूर कर रहा है कि आप ड्रग्स ले लो, कि आप परेशान, क्योंकि हमारे जहन में परेशानी है, हम रात पर सोते नहीं है। घर वालों का क्या रुझान है?
घर वालों का क्या रुझान है? घर वालों को तो ऑलरेडी मालूम है कि हमारे बच्चों के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है, हम बात भी नहीं रख सकते हैं। आप खुद देख लीजिए हमें, हमारे जहन कितने परेशान हो रहे हैं, हमें रात भर नींद भी नहीं आती है क्योंकि हमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हमारे इस एकेडमिक अरेंजमेंट के अंदर इतने ऐसे लोग हैं जिनको 15-15 साल हो गए हैं, न कोई जॉब सिक्योरिटी, हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमें कब इन किया जाएगा, कब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, कब। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस सेशन से कि हमारी सैलरी हाइक हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है कि आप इनको एज 56,000 दीजिए। यूजीसी के नॉर्मल है, यूजीसी के अगर आप देखोगे जब ये रिक्रूटमेंट करते हैं हमारी, ये बोलते हैं कि हम आपकी रिक्रूटमेंट एज पर द यूजीसी नॉर्मल करेंगे, लेकिन जब आप एज पर यूजीसी नॉर्मल रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो आपको कौन सी मुश्किल सामने आ रही है कि हमें आप यूजीसी नॉर्मल के रिलेटेड हमें सैलरी नहीं दे दोगे? क्या वजह है? क्या हम भी सड़कों पर फिर आ जाएंगे? हम अभी एक मूवमेंट बनने वाली है, हम आपके माध्यम से हायर एजुकेशन तक ये बात पूछना चाहते हैं कि हमारा जो बर्दाश्त है वो अब खत्म हो चुका है, हम परेशान हो चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। जब हम खुद परेशान हैं तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? हम ड्रग्स लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं, हम सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि हमारी भी फैमिली है, क्योंकि हमारा भी घर है। अब आलमिया ये देख लो कि जब हमें दिसंबर में डिसंगेज किया जाएगा, क्या हम वो लोग हैं? क्या हम खाना नहीं खाएंगे? क्या हमारी फैमिली नहीं है? क्या जनवरी फरवरी की फैमिली नहीं है? अब जो परमानेंट फैकल्टीज बैठ रहे हैं कॉलेज के अंदर, वो 2-2 लाख रुपये सैलरी लेते हैं, वो 1.5-1.5 लाख। क्या आपने उनकी सैलरी दिसंबर तक आपने काटी है? आपने उनकी विंटर ब्रेक काटी है? अगर वो 2-2 तो हमारे 28,000 में क्यों आपको डिडक्ट किया जा रहा है? दुख है आपको इस बात का इरफान साहब कि आपके साथ इतनी मेहनत शिद्दत से आपने पढ़ाई की है, रकम भी बहुत लगी होगी, वालिदैन का बहुत सपोर्ट होगा, मगर आज इस वक्त प्रोटेस्ट करना ही कोई आम बात नहीं है। हाथ कोई ऐसे नहीं फैलाता जब तक उसे कोई मजबूरी न हो। दुख है आपको? देखिए सर, एग्जैक्टली दुख तो है लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी है। हमारे हायर अप जो है आलोक कुमार सर है, हमें उनसे एक्सपेक्टेशंस है, डायरेक्ट मैम से एक्सपेक्टेशंस है कि जो आपने कल ऑर्डर निकाला है ये हमारे साथ सरासर जुल्म है, क्योंकि इस एकेडमिक अरेंजमेंट के अंदर आप देख लीजिए इसमें ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो पीएचडी स्कॉलर नहीं होगा, जो पोस्ट डॉक करके नहीं होगा। पीएचडी करके 400 लेंगे आप? पीएचडी करके 400? अब तो हमारी डिग्री खत्म हो रही है ना, डिग्निटी खत्म हो रही है। हमें कोई बोलता है, अगर आप देखोगे जब हम अपने अपने इलाके में चलते हैं तो वो बोलते हैं आप क्या कर रहे हो? हम बोलते हैं हम कॉलेज में पढ़ाते। अच्छा आप कॉन्ट्रैक्ट वाले हो? अब हमारी डिग्निटी खत्म हो रही है, हमें कोई बोलता भी नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। क्यों नहीं हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? हमने पीएचडी किया, आपके जो परमानेंट प्रोफेसर बैठे हैं उनकी क्वालिफिकेशन देख लो आप, हमारी क्वालिफिकेशन देख लो आप, हमें क्यों नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉल किया जाएगा? हम चाहते हैं कि जो आपने कल ऑर्डर निकाला है इस ऑर्डर को आप फौरी तौर को रिवोक करें। अगर आपने रिवोक नहीं किया तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट आगे चलने वाली है, और हम आपके माध्यम से ये डिपार्टमेंट तक बात पूछना चाहते हैं, जो आपने ऑर्डर निकाला है हम न किसी को ज्वाइन करने देंगे एज गेस्ट फैकल्टी, न हम ज्वाइन करेंगे, ये हम बात वाजिया करना चाहते हैं। खैर बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपको बता दूं कि एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दूं कि रहबर राह दिखाने वाला, और जितने भी बच्चे हैं कॉलेज में ये उन्हें पढ़ाते हैं, राह दिखाते हैं, मगर वो राह दिखाने वालों के साथ अगर इस तरीके से निज़ाम चलेगा तो कोई भी बात सही नहीं हो रही। जनाब हजरत क्या कहेंगे आप, 400 रुपये पे दिहाड़ी देनी है आपको, मजदूर की मजदूरी भी 750 है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली ये होता है कि देखो, एक कौम की जो बुनियाद होती है, देर आर सर्टन पिलर्स जो हमें बहुत स्ट्रांग करने पड़ते हैं, उसमें जो सबसे अहम है वो एजुकेशन का है। मैंने इससे पहले भी अभी बोला एक बैठ में कि हमने एजुकेशन सिस्टम को जो अब इस तरह से पेश कर दिया गया है ना, अब इसको नाउ इट इज़ स्मेलिंग फाउल, इसकी अब फाउल स्मेल आने लगी है, और वो हम लोग अब ऐसे हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। जो बड़े बड़े अहदेदार हैं, जब कोई प्रॉब्लम निकलती है, अगर अमृता सेन ने कहा है ग्लोबलाइजेशन में कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, मोस्टली इट इज इंस्टीट्यूशन लेवल इज आर इन्वॉल्वड फॉर दिस, कि कोई आम इंसान के हाथ में पावर नहीं होता है। जो कोई बनाता है कोई पॉलिसी कोई फ्रेम, तो उस पर फिर असर पड़ता है आगे जाके, वो नीचे नीचे हर लेवल के बंदे तक पहुँचती है। हमारा जो आज का ये मसला है, अगर सेशन इक्वल सेशन करना है राइट फ्रॉम अगस्त, चलो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीजिए आप, लेकिन अब जो ऑर्डर निकला है, आप जो यहाँ पे काम कर रहा है ऑर्डर निकालिए, करिए वैसे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अब कुछ पैसे बचाने के लिए, क्या अगर 1,000-1,200 कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं तो गेस्ट फैकल्टी में ये क्या करेंगे, 400-500 को रखेंगे अप टू अगस्त, और उनको ना एक्सपीरियंस मिलने वाली है ना कुछ मिलने वाला है, बच्चे भी सफ़र करेंगे, क्लासेस भी सफ़र करेंगे। क्या महज कुछ पैसे बचाने के लिए बच्चों का जो भविष्य है, जो उनका फ्यूचर है, कोई वैल्यू नहीं रखता? दुरुस्त कहते हैं, एक बार ये ज़रा सोचिए। क्या अपील है आपके आखिर में?
आखिर में हमारी यही मांग है कि आप ना बच्चों के कैरियर के साथ खेलो, ना उन यूथ के साथ खेलो जो हाईएस्ट क्वालिफाइड, ना देख लीजिए पीएचडी नेट जेआरएफ एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है नॉट ओनली इन द कश्मीर थ्रू आउट कंट्री, इससे बढ़कर कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। दुरुस्त कहा आपने। आपको बता दूं कि एक और भाईजान हमारे साथ हैं, ये देख सकते हैं आप, ये तमाम जितने भी हैं गौहार है एलजी इंतजामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इनके मसले में इंटरवीन किया जाए और जो हाल ही में ऑर्डर इजरा किया गया उसे वापस लिया जाए ताकि इनका घर बार भी चल सके और जो इन्होंने पढ़ाई वगैरह की है पीएचडी, इसमें ज़्यादातर पीएचडी वाले हैं, उनका बाकायदा तौर पर निज़ाम सही चल सके। तो फिलहाल जितने भी रहबर हैं वो सड़कों पर हैं, राह दिखाने वाले जो हैं उन्हें भटकाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो सही हो। दिखते रहिए द टाइपराइटर, जावेद खान के साथ।